बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री उप एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निर्देश पर केंद्रीय और राज्य सरकार के युवा विरोधी नीतियों, राज्य में बढ़ते हुए अपराध, हत्या, बलात्कार, बेरोजगारी, शैक्षणिक अराजकता, महंगाई, भ्रष्टाचार, सुपौल में कस्तूरबा बालिका विद्यालय में छात्राओं के साथ मारपीट व अमान्य व्यवहार को लेकर युवा राजद द्वारा केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार के खिलाफ भागलपुर के समाहरणालय परिसर में एक दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान युवा राजद के जिलाध्यक्ष मेराज अख्तर उर्फ चांद ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही जिले को सूखाग्रस्त घोषित कर कृषि उपाय हेतु आवश्यक उपाय करने की मांग की। धरना में प्रदेश महासचिव डॉक्टर आनंद आजाद, अंकित सुबोध, प्रदेश महासचिव मोहम्मद उस्मान समेत पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। सन्मार्ग के लिए भागलपुर से सोनू के साथ राजीव सिंह की रिपोर्ट। इस धरना के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आपने जो 2014 में देश की जनता के सामने जो वादा किया था कि हम देश के पहरेदार चौकीदार बनेंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, क्या हुआ उस नौकरी का? हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपया देने का काम करेंगे, किसानों को उसके जो लागत मूल्य है उसकी बात कही थी उन्होंने। उन्होंने कहा था कि मेरा 56 इंच का सीना है, हम जो बॉर्डर पर हमारी सेनाओं के साथ जो पाकिस्तान के द्वारा जो दुर्व्यवहार सीज़ फायर का उल्लंघन लगातार होता आया है, कहा था कि हम पहरेदार बनेंगे तो पाकिस्तान को घुसकर हम उसको मारने का काम करेंगे। अब उससे कहीं गुना ज़्यादा, आज 4.5 साल में सेना मारा जा रहा है। तो पूरे देश में आज अराजकता का माहौल है, नफरत का वातावरण फैलाया जा रहा है। आज 2019 का चुनाव सामने है, आज फिर मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, आज संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। और अगर देश और संविधान को बचाने के लिए हमारे माननीय विरोधी दल के नेता संविधान बचाओ न्याय यात्रा पर आज बिहार पर निकले हुए हैं तो उसकी मजाक उड़ाया जाता है। नीतीश कुमार जब से जनादेश का अपमान करके, वो कहा करते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के गोद में नहीं जाएंगे, क्या हुआ उसका? डीएनए का आपको गाली देने का काम हुआ, फिर भी आपने जनादेश का बलात्कार कर उसी के साथ जिसको बिहार की जनता ने सत्ता से दूर रखने का काम किया था उसके गोदी में बैठने का काम किया। सन्मार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।